तीन दिन से रामपुर में भटक रहे थे। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा जमाने से खफा मेरे लिए है। इस शेर को लिखने वाले थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनके नाम पर खुली यूनिवर्सिटी फिलहाल विवादों के केंद्र में है। मौलाना जौहरी का रामपुर और आजम खान के साथ क्या कनेक्शन है, इसे समझने के लिए तारीख के सफ़े उलटने होंगे। मौलाना जौहर की पैदाइश रामपुर की थी। उनके वालिद अब्दुल अली खान रामपुर नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे। मोहम्मद अली के पिता के इंतकाल के बाद रामपुर के नवाब हामिद अली खान ने उन्हें अपने खर्च पर पढ़ने के लिए लंदन के लिंकन भेजा। विलायत से वापस लौटे तो रामपुर स्टेट के मुलाजिम हो गए, लेकिन बाद में उन्हें बेहद अप्रिय स्थिति में रामपुर छोड़ना पड़ा। इसी ज़माने में जब हामिद अली खान का दौर आया और उसमें इन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेज़ों की मुखालफत शुरू की, अपना अखबार कामरेड जो था उसे पूरे तरीके से लगा दिया। इसमें खुद कांग्रेस में ये शामिल रहे, दो मरतबा प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, तो नवाब साहब को ये ख़तरा हुआ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के किस्से में इस हद तक मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ कि मेरी रियासत भी जाती रहे। इसलिए उन्होंने इनसे ये कहा कि भाई आप रामपुर से चले जाइए, बाकी आपको जो चाहें करते रहिए, आप जाने अंग्रेज़ जाने। मौलाना मोहम्मद अली जौहर नहीं गए। जब नहीं गए तो उन्होंने इनको एक मकान में हाउस अरेस्ट कर दिया, जिसे नज़रबंद कहते हैं, नज़रबंद कर दिया, जिसमें 21 दिन ये नज़रबंद रहे। उसके बाद इन्होंने नवाब से ये कहा कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए, मैं रामपुर से जाना चाहता हूं। उसके बाद ये रामपुर से चले। आजम खान ने भी रामपुर में अपनी सियासत नवाबों के खिलाफ ही शुरू की। यही वो सिरा था जो कि मौलाना जौहर और आजम खान को आपस में जोड़ता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आजम के शुरुआती दौर में रामपुर के सांसद नवाब जुल्फिकार अली उर्फ मिक्की मियां ने उनकी काफी मदद की। रामपुर में उभरते कांग्रेसी नेता मंजूर अली खान उर्फ शन्नू मियां को किनारे लगाने के लिए अंदरूनी तौर पर आजम को आगे बढ़ाया। अपने चुनाव प्रचार में वो बड़ा वोट खुद को और छोटा वोट दीवाने को देने की बात कहते थे। दीवाना माने आजम खान। यहां तक कि एक मौके पर उन्होंने आजम की जान तक बचाई। एक इलेक्शन था जिसमें जब काउंट पोलिंग वोटिंग चल रही थी किले में, रामपुर के किले में, वहाँ एक मॉब आजम को के ऊपर एकदम से उसने हमला किया, क्योंकि आजम वहाँ पोलिंग बूथ के ऊपर काफ़ी गैर कानूनी तरीके से वोट डलवाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे वालिद मिकी मियां वहाँ पहुँचे और उन्होंने फौरन आजम को लेके जो कमरा था जहाँ वोटिंग मशीन जो वोटिंग की प्रक्रिया जारी थी वहाँ उन्हें कमरे में करके और सामने खड़े हो गए दरवाजे के, और मॉब से कहा, जो पूरी भीड़ थी उससे कहा कि अगर आजम को तुम्हें पकड़ना है तो पहले मेरे ज़रिए तुम्हें जाना, मेरे थ्रू जाना पड़ेगा। तो फिर वो जो शांत हो गए सब लोग और फिर वो चले गए। 1980 में विधायकी का चुनाव जीतने के बाद आजम खान के तेवर बदलने लगे। अब वो सीधे तौर पर नवाबों के खिलाफ खड़े हो गए। ये सियासी अदावत लगभग दो दशक तक चलती रही और अदावत में मौलाना जौहरी आजम के लिए बहुत काम के साबित हुए। ये सब कुछ करने के बाद आजम खान के जहन में जो बात थी वो सिर्फ ये थी कि चूंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को नवाब ने ये कहा था कि अंग्रेजों की मुखालफत मत करो, मेरे लिए या रामपुर के लिए नुकसानदेह है, इसलिए आजम खान ने इस इशू को उठाया और ये कहा कि नवाब अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे
और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो मुजाहिद आज़ादी थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, और नवाब ने इस जुर्म में उनके साथ ज़्यादती की और उनको हथकड़ियाँ पहनाई, पेड़ियाँ पहनाई, उनको बर्फ़ की सिल पर लिटा दिया, उनको सज़ाएँ दी, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाईं। ये इन्होंने जलसों में खड़े होकर इतना बयान किया, इतना बयान किया, इतना बयान किया कि लोगों ने ये समझ लिया कि नवाब ने वाकई बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की होगी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ। जब ये एक जहन बना दिया इन्होंने लोगों का, तो फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम को इन्होंने कैश किया, जौहर ट्रस्ट बना के। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का। 2003 में नाटकीय अंदाज में बनी मुलायम सिंह यादव सरकार में आजम खान को काबीना में जगह मिली। उन्होंने सत्ता में आते ही नवाब के विरोध के प्रतीक के तौर पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को और मुकम्मल तरीके से खड़ा करना शुरू किया। इस कड़ी में पहले बना जौहर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के 7 सदस्यों में से 5 आजम खान के परिवार के हैं और 2 उनके भरोसेमंद। 2005 में उन्होंने विधानसभा से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए खास एक्ट पास करवाया। इस एक्ट के मुताबिक इसे एक सरकारी यूनिवर्सिटी होना था और आजम खान को आजीवन इसका वीसी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी 2006 में उन्होंने मुलायम सिंह के हाथों इस यूनिवर्सिटी की नींव रखवाई। यही वो दौर था जब आजम अपने रसूख का फायदा उठाते हुए यूनिवर्सिटी में जमीन कब्जा करने में लगे हुए थे। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी लगभग 78 हेक्टेयर में फैली हुई है, जिसका ब्यौरा कुछ इस तरह से है। कुल 78 हेक्टेयर में से 45 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदी गई है। इसमें से ज्यादातर जमीन यूनिवर्सिटी से सटे हुए गांव आलियागंज की है। ये जमीनें किस तरह से खरीदी गईं, ये समझने के लिए आपको आलियागंज के मोहम्मद आसिफ की बात सुननी पड़ेगी। देखिए, मेरे ऊपर ही नहीं, अधिकतम यहाँ 80% लोगों पर मुकदमे लगे हैं। इसमें 8 साल से लेके और 60 साल तक का जो भी व्यक्ति है उस मुकदमे ही 18 से लेकर 20 मुकदमे तक उस पर लगाए गए हैं। वो सारे जिसके नाम में, अगर ज़मीन बाप के नाम में है तो बेटे को उठा लिया गया, अगर बेटे के नाम में तो बाप को उठा लिया गया। अगर वो ज़मीन अगर देता है तो उसके बेटे को छोड़ा जाता है, अगर ज़मीन नहीं देता है तो उसको चरस के मुकदमे रख के 5 साल के लिए अंदर भेज दिया जाता है। तो आपके ऊपर जो झूठा मुकदमा लादा था, तो कैसा, कहाँ से गिरफ्तार किया था? देखिए, ऐसा था, मैं रामपुर थाना सिविल लाइन के पास में खड़ा था और आलिसन सीओ साहब से और ऐसे कुछ सरबीर को तो मामला इसको हर गांव के व्यक्ति के चेहरा उसको मालूम था। जब मैं वहां पर खड़ा तो मुझको उठा लिया गया और उसने कंफर्म किया आप कहां रहते हैं, मैंने आलियागंज। मुझको 3 दिन सिविल लाइन थाने में रखा गया और 3rd डिग्री का पुलिस जो इस्तेमाल किया जाता है वो मेरे ऊपर किया गया। नहीं, आपको पीटा तो? आलियागंज के जिन 26 किसानों ने आजम खान के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जा कराने का मुकदमा दर्ज करवाया है, ये वो किसान हैं जिनकी जमीन यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के भीतर है और सरकारी खाते में उनके नाम पर है। अब जमीन इन किसानों के नाम, तो वो जौहर यूनिवर्सिटी के चारदीवारी में घिरी कैसे, इसके लिए आपको आलियागंज के अबरार की कहानी समझनी है। आप अपनी जमीन पे जा रहे थे? आपको जा रहा था, आजम खान ने खुद मुझे अपने हाथ से मारा। हालांकि आजम खान गैर कानूनी कब्जे के सारे आरोपों को खारिज करते हैं। मैंने क्या गुनाह कर दिया? बच्चे पढ़ाता हूँ, विश्वविद्यालय बनाया है, मैं भूमाफिया हूँ, 4.25 बीघा जमीन का चोर हूँ मैं, किताब चुराई है मैंने, विश्वविद्यालय रामपुर में है और उसको मिटाने वाली 2 सरकारें हैं, एक कमज़ोर सा आदमी 2 सरकारों से लड़ रहा है, क्या मिलेगा विश्वविद्यालय को बर्बाद करके, लूट लिया सब। जैसे ही आप रामपुर में घुसते हैं, हर 100 मीटर पर आपकी मुठभेड़ काले रंग के चमकीले पत्थरों से होती है, जिस पर आजम खान का नाम सुनहरे अक्षरों में गुदा हुआ है। ये पत्थर इस शहर पर आजम खान के असर की गवाही देते हैं। 2003 में मुलायम सिंह सरकार में काबीना मंत्री बनने के बाद आजम खान ने रामपुर की सियासत के सारे मुहावरे बदल दिए। 1980 के दशक का मजदूर नेता
90 के दशक में मुस्लिम नेता में तब्दील हो चुका था। 21वीं सदी में घुसते हुए आजम खान रामपुर में सियासी माफिया की तरह उभर रहे थे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द पुलिस, प्रशासन और कार्यकर्ताओं का ऐसा जाल तैयार किया कि रामपुर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। उनका शिकंजा कितना सख्त था, इसकी एक वानगी हमें मड़ैया शादी गांव के कयूम की कहानी में मिलती है। बहुत बुरे तरीके से मारा तोड़ा और मारने तोड़ने के बाद में एक पेड़ से बांध के डाल दिया। कयूम 2004 से अपने गांव की राजनीति में सक्रिय थे। 2005 ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हमने इलेक्शन भी लड़ेंगे और हमारे पास पैसा भी नहीं है जो आपकी यूनिवर्सिटी को चंदा दें। सूबे में सपा की सरकार थी और आजम खान के खास मुर्तजा अली की माँ इस गांव की प्रधान थी। उन्हें पहले धमकाया गया, जब नहीं माने तो आर्म्स एक्ट का मुकदमा लादा गया। 18 दिन बाद जब जमानत से बाहर आए तो गुंडा एक्ट लगा दिया गया। समर्थकों के जरिए पर्चा दाखिल कराया, 154 वोट से चुनाव जीते, रिकाउंटिंग में एक वोट से हरा दिया गया। 2010 में इन्होंने अपनी भाभी को चुनाव लड़वाया। सूबे में बसपा की सरकार थी, उनकी भाभी 230 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रही। 2012 में सपा की सरकार सूबे में आई। इसके बाद उनके साथ जो हुआ वो किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। 1 अक्टूबर 2013 को हमें गांव से पुलिस फोर्स लेकर आई और लाने के बाद वहाँ ये बहाना बनाया था कि मंत्री जी ने बुलाया है, और लाने के बाद में मंत्री नसीर खां के फार्म हाउस पे मुझे ले गए, और ले जाने के बाद वहाँ पे जब मैं जैसे पहुँचा मैं देखा अपने तो वहाँ पे मौजूदा लोग बैठे हुए थे, मंत्री मोहम्मद आजम खां भी थे, नसीर खां भी थे और आले हसन साहब भी थे। उस समय तक सीईओ हो गए थे, उस टाइम पे सीईओ हो गए थे जी, आले हसन सीईओ हो गए थे, सीईओ साहब भी बैठे हुए थे, मुर्तजा अली बैठे हुए थे, शक्कन खां बैठे हुए थे और फरमान बैठे हुए थे, ये लोग सब मौजूदा बैठे हुए थे जितने थे। जब इन्हें बैठे हुए देखा हमने तो इन्होंने छूटते ही कहा, बोले तेरी समझ में नहीं आया, हमने कितनी बार तुझे ये बताया कि इलेक्शन मत लड़ और इस्तीफ़ा दे दे, तूने नहीं मानी। मैंने कहा था अब इसमें क्या दोष है, किसी का कोई भी इंसान लड़ सकता है इलेक्शन लड़ने का तो हर इंसान को अधिकार है, कोई ऊपर से हमारे लिए कोई प्रतिबंध तो है नहीं, ये तो हमारे साथ आप जास्ती कर रहे हैं। बस इतना कहते ही इन लोगों ने लात घूसों से डंडों से मारना शुरू कर दिया, और उसके बाद मंत्री मोहम्मद आजम खान ने यह कहा लेसन सी ओ सिटी से कि इस पर 1 किलो लगभग 1.5 किलो चरस लगा के इसे जेल भेज दो। फिर 9 महीने हम जेल में रहे, 9 महीने के बाद छूट कर जब आए तो हमने अपनी कानूनी कार्रवाइयाँ करना शुरू करी, मगर यहाँ सत्ता के दबाव में कोई भी हमारी बात को सुनने वाला नहीं था। फिर 2015 के इलेक्शन की हम तैयारी करने लगे, जब तैयारी करने लगे हमें कई बार बुलाया गया और संदेश आया है कि आप इलेक्शन ग्राम प्रधानी का मत लड़ना। हमने कहा हम तो जब वर्तमान प्रधान है तो इलेक्शन तो लड़ेंगे ही, वर्तमान प्रधान है इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ने का कारण क्या है। तो जब ये बात हमने नहीं मानी तो एक दिन अचानक थाना सिविल लाइन की फोर्स, राघोराम मिश्रा, असदुल्ला वगैरह और पुलिस फोर्स के लोग गए और पकड़ करके यूनिवर्सिटी ले गए सीधे। यूनिवर्सिटी में जब गए तो वहाँ पे मंत्री मोहम्मद आजम खान भी थे और बाकी नसीर खान साहब भी बैठे हुए थे, आले हसन सोसाइटी भी थे और सारे लोग मतलब ये के मुर्तजा वगैरह ये सब लोग में मौजूदा बैठे थे। देखते ही जैसे उन्होंने जैसे गाड़ी से उतारा वैसे ही उन्होंने के बोले तेरू तूने माना नहीं, एक गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी और बोले तू माना नहीं इस बात में, अब तेरा वो हाल होगा, तूने कभी ज़िंदगी में ये बात सोची भी नहीं होगी। बस वो इसी तरीके से फिर उन्होंने मारना पीटना शुरू करा, काफ़ी मारा पीटा, मैं बुरे तरीके से बहुत घायल हो गया था। तो कहने लगे वो ऐसा है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए 5 लाख रुपये का चंदा दो आप और प्रधानी से लड़ने के लिए इनकार करो, लिखित में देना पड़ेगा। हमने उनकी बात को ना मानते हुए इनकार कर दिया, हमने कहा इलेक्शन भी लड़ेंगे और हमारे पास पैसा भी नहीं है जो आपकी यूनिवर्सिटी को चंदा दें। जब इतनी बात सुनी तो ये लोग बौखला गए,
बहुत बुरे तरीके से बगलाया इन्होंने, बहुत बुरे तरीके से मारा तोड़ा, और मारने तोड़ने के बाद में एक पेड़ से बांध के डाल दिया, पेड़ से बंधे रहे शाम तक के लिए। हमें शाम तक को पेड़ से बांधने के बाद मंत्री जी ने, मंत्री मोहम्मद आजम साहब ने आलेसन सीओ सिटी से ये कहा, अगर ये 5 लाख रुपए का चंदा देता है तो ठीक है, और अगर नहीं देता है ये तो इसे आप क्या कहते हैं 5 किलो चरस लगा के जेल भेज दो, ताकि ये आजीवन जेल काटता रहे। 2012 में सत्ता में आई सपा सरकार में आजम सबसे ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। इस बार उनके पास यूनिवर्सिटी के अलावा एक और प्रोजेक्ट था, रामपुर पब्लिक स्कूल। इस बार उनके पास वक्फ का महकमा भी था। उन्होंने वक्फ की जमीनों पर रामपुर पब्लिक स्कूल की नींव डालनी शुरू की। 2016 में उनकी नजर वक्फ बोर्ड की ऐसी जमीन पर पड़ी जिसका सीधा संबंध शाही खानदान से था। नवाबों के दौर में रामपुर स्टेट की तरफ से एक यतीम खाना चलाया जाता था। शुरुआती दौर में यह किराए की इमारत में चलता था। आखिरकार नवाब मोहम्मद मुश्ताक अली खान ने एक स्थायी यतीम खाना बनवाना तय किया। सितंबर 1888 में एक ऑर्डिनेंस जारी कर यतीम खाने के लिए जमीन वक्फ या दान की। रामपुर में बहुत दिन से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि रियासत की सरपरस्ती में यतीमों के लिए, और वो मोहताज जिनकी रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं हो और कोई कमाने वाला भी नहीं हो, उनके लिए रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से क्या सरपरस्ती की जाए। तो यहाँ पर मोहताज खाना और यतीम खाने के नाम से कुछ अलग अलग जगहों पे रियासत ने मकान किराए पे लेके काम शुरू किए, लेकिन कोई उसकी पूरे ऑर्गेनाइज वे में उसको नहीं था वो। तो फिर बाद में ये हुआ कि सितंबर 1888 में जब जनरल आज़मुद्दीन खां एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक रोपकार किया उसी मकसद के लिए। फिर एक ज़मीन यहाँ पर वक्फ की गई, और रामपुर का जो महकमा अवकाफ था, अवकाफ कहते हैं उस डिपार्टमेंट को जिसमें वक्फ का रजिस्ट्रेशन होता है। और जब स्टेट मर्ज हो गई तो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। बाद में फिर ये हुआ कि जब रियासत मर्ज हो गई और फाइनेंशियल उस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं थी कि यहाँ पर उसमें इमारत बनाई जा सके, तो फिर बाद में ये हुआ कि यहाँ पर ये तय किया गया कि जो लोग हैं मोहताज, जो गरीब हैं, उनको ये जगह दे दी जाए कि भाई आप अपने अपने खर्चे से झोंपड़ी डाल लो, रहते रहो, और एक नॉमिनल रेंट 1 रुपया 2 रुपये जो भी तय हो जाए वो आप वक्फ को अदा करते रहो, ताकि तो आपको टाइटल ना इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सके। चुनाचे वो लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते रहे, जिन्हें उजाड़ दिया गया, और उजाड़ने के बाद उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर दिया गया। आर्थिक तंगी के चलते जब यतीम खाना नहीं बन पाया तो इस ज़मीन पर मवेशी पालने वाले घोसी बिरादरी के गरीब मुसलमानों को यहाँ बसा दिया गया। वो कई पीढ़ियों से यहाँ बसे हुए थे। 2012 में सत्ता में आने के साथ ही आजम खान ने इस ज़मीन पर शिकंजा कसना शुरू किया। यतीम खाने की ज़मीन पर बसे 40 घोसी परिवारों को वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस मिलने लगे। 14 अगस्त 2016 की रात इन लोगों के लिए कत्ल की रात साबित हुई। हमारे घरों पे नोटिस छपका 9-10 बजे, और साफ सुबह को 3:30-4 बजे के दरमियान उन्होंने सारे लाके पुलिस फोर्स लगा के पूरे एरिया में ना के बंदी करके, और ये हमारे घर तोड़ दिए गए। हम सबको घरों से बाहर करके हमारे जान बस सब खोल के रस्सी काट के छोड़ दिए गए, और हमें घर से भगा दिया गया। पुलिस मर्दों को गाड़ी में बंद करके पुलिस लाइन ले गई। पीछे बच्चे और महिलाएं बची। उनके साथ उस दिन क्या बीती, 90 के पेटे में पहुंच चुकी शहजादी बेगम को वो मंजर नहीं भूलता। आपके जुल्म किया आजम खान ने, बहुत ज्यादा। हाँ, आधी रात का टाइम था, वो फौज को ला के विंडो से चढ़वा दिया सारा सड़कों पर। रात हमने काटी, जवान बच्ची, हमारे बच्चे तड़प रहे, निकाल निकाल के घर में से औरतों को, आदमियों को जेल में पहुँचाया, और सब जगह ले ली, इतनी जगह ना छोड़ी, बिल्कुल बसियत खत्म कर दी, और मार कूट के बाहर डाल दिया सड़क पर हमें। ऐसी ही एक इमारत मदरसा आलिया भी है,
230 साल पुराना यह तालीमी इदारा किसी दौर में अपने शबाब पर था। मिस्र की यूनिवर्सिटी से इसे मान्यता प्राप्त थी। विदेशी छात्र यहां तालीम लेने आते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का मन अरबी पारसी से उचटने लगा। धीरे धीरे ये मदरसा खंडहर में तब्दील होने लगा। जौहर ट्रस्ट ने इसे पहले इमारत दुरुस्त करने के नाम पर अपने हाथ में लिया और बाद में ये जगह उन्हें लीज पर मिल गई स्कूल चलाने के लिए। जौहर ट्रस्ट की निगहबानी में इस इमारत के हालात में काफी हद तक सुधार भी आया, लेकिन प्रशासन को इस मदरसे से शिकायत कुछ और है। 230 साल पुराने इस मदरसे की लाइब्रेरी में कई सारी बेशकीमती किताबें थी। जौहर ट्रस्ट पर इन किताबों की चोरी का इल्जाम है। रामपुर के कलेक्टर आंजनेय कुमार कहते हैं, मदरसा अलिया का अगर किताबों का मसला समझना है तो आपको मदरसा अलिया समझना पड़ेगा। 1774 में ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें जब 1949 में मर्जर हुआ तो मर्जर डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, 15वां बिंदु है, उसमें ये कहा गया था कि इसको मेंटेन किया जाएगा स्टेट रेवेन्यू से। और वीपी मेनन साहब जो उस समय पॉलिटिकल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस पर साइन भी किया था। उसके बाद से 2001 तक इसको मेंटेन भी किया गया। 2001 में इसको अरबी विश्वविद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव था और इसके लिए संभव था। जो रिप्रेजेंटेशन आए हैं, जो हमारे पास दस्तावेज में बताते हैं, 1 करोड़ रुपये सेंक्शन भी किया गया था। इसमें सारी रिपोर्ट्स यहाँ से गई, प्रस्ताव में ही था तब तक सरकार बदल गई 2002 में। सरकार बदल जाने के बाद इसमें इसको ग्रांट मिलना बंद हो गया। 2005 में इसके भवन को जर्जर बताकर इसको रिपेयरिंग में डाल दिया गया, जो 2007 तक रिपेयरिंग में ही चलता रहा। और 2007 में मोहम्मद आजम खान साहब ने ट्रस्ट के, जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से इसको लीज पे मांग लिया, ये कहते हुए कि इसमें टीचर्स नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। जबकि हकीकत ये थी कि 2009-10 में भी जो स्थिति थी उसके हिसाब से एक टीचर और कुछ बच्चे, करीब 50 से अधिक बच्चे इस रिपोर्ट में जब इनको लीज पर दिया गया तब भी उसमें मेंशन है कि 50 से अधिक बच्चे पढ़ते थे, लेकिन तब समय कम से कम 100-150 बच्चे तो पढ़ते ही थे। तो उस समय मदरसा आलिया को लिया गया था, लीज पे लेने की कवायद शुरू हुई, जो फाइनली 2016 में लिया गया लीज पे। लेकिन 2016 में इनको दिसंबर में पट्टा विलेख हुआ, उनको दिसंबर में मिला। इससे पहले ही सितंबर 2016 से ये काबिज हो गए उसमें अवैध रूप से। और यूनानी दवाखाने के जो तत्कालीन अधिकारी थे उनकी रिपोर्ट को अगर देखें तो उसके हिसाब से ये स्पष्ट है कि मंत्री जी के आदमी इस पर कब्जा हो गए थे 10 सितंबर 2016 को। लिहाजा जो सारी चीज़ें थी मदरसा आलिया की उनके पास थी। इनको जो लीज हुआ है वो मदरसा आलिया की का हुआ है, न कि वहाँ के किताबों का और प्रॉपर्टी का, वो सरकारी प्रॉपर्टी थी। इसको भी ये लेते गए, जिसकी शिकायत 2016, 17, 18, 19 में हुई। और फाइनली जब 19 में ये इंक्वायरी की गई कि क्या इसमें कभी कोई FIR हुई है, ये पता चला कि FIR कोई नहीं पाई गई, तो हमने फिर से FIR की। इसमें जब तफ्तीश की गई तो ये एक और भी सूचना दी गई कि ये चूँकि ये जौहर ट्रस्ट के को लीज पर दिया गया था, इसलिए संभवतः जौहर ट्रस्ट इसके जौहर विश्वविद्यालय में इस किताबों के होने के अंदेशा है। पुलिस ने जब रेड किया तो 2500 से ज़्यादा किताबें वहाँ मिली, फर्नीचर मिले। कल भी रेड किया गया तो चांसलर के कमरे से 17 किताबें बरामद हुई, और जिसमें अब्दुल्ला आजम खान साहब आए, उनसे मजिस्ट्रेट और पुलिस ने रिक्वेस्ट किया कि सहयोग करें। इसके बावजूद वो लगातार व्यवधान करते रहे, जाने से पुलिस को रोकते रहे, मजबूरन उन्हें डिटेन करके ले जाया गया। आजम खान के ऊपर रामपुर जिले में कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं, इसमें से 45 मुकदमे पिछले 7 महीनों में दर्ज हुए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताते हैं। आपको सरकार को ये दिखाना था कि देखो जो हम लोकसभा में नहीं कर सके वो अब कर रहे हैं, मारा लोकसभा में भी बहुत इन्होंने लोगों को, लेकिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। अब बाई इलेक्शन है तो प्रशासन को भी, तो क्योंकि योगी जी ने साफ कहा था कि मुझे आए थे मुरादाबाद कि मुझे रामपुर की सीट चाहिए किसी भी कीमत पर, तो प्रशासन कैसे अपनी वफादारी साबित करेगा? ऐसे ही तो करेगा। मैं कह रहा हूँ पैमाइश हुई, हो जाए, ज़मीनें हैं, सिविल डिस्प्यूट है, कोर्ट में केस चलेगा। 16 साल बाद भी किसी आदमी को याद आया कि साहब मेरी 4 बीघा 3 बीघा 2 बीघा 1 बीघा 1 इंच ज़मीन है, वो सिविल डिस्प्यूट फाइल करेगा, कोर्ट फैसला करेगी, उसकी ज़मीन निकलेगी, हमें ख़रीदना होगी हम ख़रीदेंगे, ट्रस्ट को ख़रीदनी होगी ख़रीदेगा, नहीं ख़रीदनी होगी वो अपनी ज़मीन पर कब्जा लेगा। आप 16 साल बाद आगे कह रहे हो साहब, 16 साल तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकारें आई, अभी तक कोई नहीं आया। हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ, हम हाई कोर्ट से जीते,
वो सारे मुकदमे हाई कोर्ट में लगे, आपने मुजरिम साबित कर दिया, आपने सिविल मुकदमों को क्रिमिनलाइज कर दिया, आप करना क्या चाहते हो रामपुर का? बस इतनी खता है कि इन्होंने लोकसभा में भाजपा को वोट नहीं दिया। यतीम खाने का जो मामला है उसमें कई लोगों का ये कहना था कि वो साई वफ की ज़मीन थी और जिसको आपने प्राइवेट ट्रस्ट में, जब आपके वालिद जब मंत्री थे तो उन्होंने प्राइवेट ट्रस्ट के अंडर लेके और उसको वहाँ स्कूल बनाया। गलत। और फिर मैं आपसे एक बात कहूँगा, वो जगह वफ की थी, वफ की है और वफ की ही रहेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सियासी तूल पकड़ने के बाद रामपुर प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लग रहा है, जबकि रामपुर एसपी अजय पाल शर्मा ऐसे आरोपों से साफ इनकार करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आ रहे हैं पूरी तरह से लीगल प्रोविजंस के अंतर्गत कार्रवाई ही हो रही है। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को कोई शिकायत किसी कार्रवाई से हो तो वो शिकायत संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास में अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रशासन की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है तो जो कयूम के साथ हुआ क्या वो राजनीतिक बदला नहीं था? आजम खान के सेनापति के तौर पर मशहूर पुलिस अफसर आले हसन को रिटायर होने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? दूसरी तरफ प्रशासन की आजम खान के मामले में अति सक्रियता सवालिया निशान भी खड़ा करती है। इस मामले में हर पक्ष के पास अपना सच है, यह आपके ऊपर है कि आप किसके सच को सच मानते हैं। उत्तर प्रदेश रामपुर से अमितेश के साथ विनय की रिपोर्ट।